ये देखिए बेबी बनीज अभी सारी सो रही है मेरे पास। और आज का वीडियो मैं बेबी बनी से ही स्टार्ट किया है, और आज मैं बेबी बनीज का आईज़ का जो कलर होने वाली है वो मैं गेस करने वाली हूँ। एंड मेरे साथ साथ आप लोग भी ज़रूर गेस करना। आईज़ ओपन होने से पहले ये जो एक्साइटमेंट होती है ना, कौन सा बेबी का आई का कलर क्या होने वाली है, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है कि मैं गेस करती हूँ। फिर आईज़ होने ओपन होने के बाद फिर मैं चेक करती हूँ कि हाँ मेरी गेस सही थे या फिर गलत। और आप लोग भी ज़रूर से ज़रूर चेक करना। और पिछली बार जो भी हम लोगों ने गेस किए थे बिल्कुल सही गेस किए थे। रुई की जो फर्स्ट बेबीज़ आए थे और उसमें से एक जो बेबी थे वो व्हाइट कलर की बनी के साथ ब्लैक आई में हुए थे, तो वो मेरे लिए बहुत ही अनकॉमन सा एक बेबी थे एंड मेरी बहुत ही करीब बेबी थे जो कि इस दुनिया में अभी नहीं है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा प्रे कर रही थी कि इस बार बच्चों में से कोई एक ना एक बच्चा मुझे वैसा मिल जाए। पता नहीं, ये तो अभी आईज ओपन होने के बाद ही मुझे पता चलेंगे, बट अभी मैं गेस तो कर सकती हूँ, आप लोग भी गेस कीजिए। चलिए मैं बैक कैमरा करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ बेबी बनीस की आईज ओपन होने से पहले जो हल्की सी बच्चे सारे सो रहे हैं। चलिए अभी एक एक करके मैं उठाती हूँ एंड देखती हूँ। सबसे पहले ये वाले को मैं उठाती हूँ, ठीक है। चलिए इसका अगर आप लोग आईज का कलर गौर करेंगे, ठीक है, ये वाले बेबी का, और वन सेकेंड, हाँ ये वाला मैं पास में रखती हूँ, फिर आप लोगों को देखने में ना आसानी होंगे। दोनों के आईज़ की जो लाइन है उसमें आप लोगों को थोड़ी सी डिफरेंस नज़र आ रही है, ये वाले जो बेबी का आईज़ का लाइन है और ये वाला जो बेबी का आईज़ का लाइन है, ये देखिए थोड़ी सी ब्लैकिश मतलब लग रही है, मैं तो गैस कर रही हूँ। और ये वाला देखिए, अरे सिम्बा, छोटू सिम्बा तो इसके सर पे पा रख के सो रही है। और ये वाला जो बेबी का आई का लाइन है बॉर्डर, वो पिंकिश लग रही है। तो मुझे तो ऐसा ही फील हो रही है कि ये वाला जो बेबी है, ये वाला बेबी रेड आई होने वाली है, बन की तरह, चेरी की तरह, है ना ये वाला बेबी। और ये वाला जो छोटू बेबी है, ये वाला मुझे लग रही है मेरा छोटा सा नन्हा सा जान। तो हाँ गाइस, जो मैं आप लोगों को बोल रही थी, ये वाला जो नन्हा सा जान है, फोकस कर ले थोड़ी सी, वन सेकेंड, हाँ ये वाला फिर से वाइट कलर की बेबी और ब्लैक आई में है, हिचकी आ रही है बच्चा को। तो चलिए इन दोनों को मैं कवर कर देती हूँ। ये आई थिंक मैं गेस कर सकती हूँ, ये छोटा सा जान जो है रेड आई में आने वाली है, और ये वाला जो है ये ब्लैक आई में आने वाली है। ये दो भाई बहन, या फिर बहन बहन भाई भाई, मुझे पता नहीं जेंडर। तो चलिए अभी मैं ये वाला जो छोटा सिम्बा है इसको मैं देखती हूँ, जो कि आईज़ ओपन होने से पहले इतना नटखट है और आईज़ ओपन होने के बाद मुझे पता नहीं क्या होंगे। ये तो हम लोगों को पता ही है, ये ब्लैक आई में ही आने वाली है, क्योंकि जो कलरिंग ऐसे वाला रैबिट होती है, ब्लैक ब्राउन आई कह लो, ब्लैक आई कह लो, वैसे ही आती है ये वाला। तो चलिए इसको भी मैं रख लेती हूँ कवर करके। और नेक्स्ट है ये वाला बेबी, इसको भी मैं, चलिए मैं थोड़ी सी कोशिश करती हूँ। इसका भी आई कलर देख के मुझे ब्लैक आई ही लग रही है, तो इसका तो मैं गेस कर सकती हूँ ये भी ब्लैक आई होंगे। इसका मतलब दोनों जो है वाइट कलर का, ये दो जो बेबी है ये होने वाली है ब्लैक आई में, मैं गेस कर रही हूँ। सारी दो ब्लैक आई और एक वाइट वाला बेबी, ये जो रेड आई वाला होती है वो, एंड एक जो है छोटा सिम्बू जो कि है ब्लैक आई। तो इधर पे तीन ब्लैक आई और एक जो है रेड आई, ये वाला रेड आई और ये तीन ब्लैक आई, तो ये मैं गेस किया है। तो आईज़ ओपन होने के बाद ही वो मैं, मतलब कंफर्म मुझे समझ में आएंगे कि मैं सही गेस किया और गलत। और मैं फोकस करती हूँ, आप लोग भी अच्छे से गौर से देखिए एंड मुझे कमेंट करना, ठीक है। देखिए ये तो कहाँ कहाँ जा रही है, देखिए सो जा बाबा, आईज दिखा दो दीदी लोग को, भैया लोग को आईज भी तो दिखा दो, देखिए ठीक है, आईज में गौर से देख लीजिए। ये दो जो है मुझे ब्लैक आई फील हो रही है, ये वाला रेड आई और ये वाला ब्लैक आई। छू ना बाबा, मैं छूटू बाबा, मैं छूटू। चलिए मैं कवर कर लेती हूँ, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी।